हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो कि इंजीनियरिंग, HR, फिनांस, डिप्लोमा, ITI सबके लिए है और ये फिक्स 10 ईयर बेसिस पे जॉब है, 4 ईयर के लिए सिर्फ। बट ये अच्छा है, अगर आप एलिजिबल होंगे तो इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, अलग अलग यूनिट में यूनिट वाइज पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे BDL कॉरपोरेट ऑफिस हैदराबाद में जो पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 3 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है। वहीं पे BDL कंचनबाग जो है यूनिट जो है हैदराबाद है, इसमें मैकेनिकल 31, इलेक्ट्रॉनिक्स 22, इलेक्ट्रिकल 7, कंप्यूटर साइंस 2 पोस्ट है, केमिकल का 1 पोस्ट है, इन्वायरमेंट 1 पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स का 1 पोस्ट है, मैकेनिकल का 1 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 पोस्ट और फिर से यहाँ ह्यूमन रिसोर्स का 1 पोस्ट है। ओके, अलग अलग यूनिट है, अलग अलग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वहीं से ये बेंगलुरु का जो यूनिट है यहाँ पे ये पोस्ट देख सकते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंगरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको ये सारे पोस्ट दिया हुआ है। इसमें भी ह्यूमन रिसोर्स का 1 पोस्ट है, मैकेनिकल का 24 पोस्ट है, फिनांस के भी पोस्ट है और इनका डेट ऑफ इंटरव्यू भी लिखा है, वॉक इन इंटरव्यू डेट एंड वेन्यू। तो ये जो जिस जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना उसका इंटरव्यू डेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस जगह पे आपको फॉर्म अप्लाई करके वहाँ पे आपको जाना है। ओके, तो यहाँ पे ये सब पोस्ट देख सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये सारे चीज़ें दिया हुआ है, कितने पोस्ट कहाँ पे है, मैकेनिकल डिप्लोमा, ये ITI, फीटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, ये सब चीज़ का सबका पोस्ट है। टोटल 361 ये पोस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर का 136 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट का 142 वैकेंसी है और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट 83 पोस्ट है टोटल। और वैकेंसी रिजर्व जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसका फॉर्म ज़रूर आप अप्लाई करिए अगर एलिजिबल है। तो अपर एज लिमिट जो है, एज रिलैक्सेशन 28 ईयर जो है अनरिजर्व EWS के लिए, और बाकी जो SC ST का 5 ईयर और OBC NCL का 3 ईयर जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। ओके, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस जितने इंजीनियरिंग वाले हैं उनको फर्स्ट क्लास 60% BBTEC में हो या फिर BSc इंजीनियरिंग जो है उसमें होना चाहिए। ओके, और प्रोजेक्ट ऑफिसर बिजनेस डेवलपमेंट में है उनको 60% MBA मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब 2 ईयर्स का आपको होना चाहिए। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स, इसमें भी फर्स्ट क्लास MBA, MSW, PG डिप्लोमा 2 ईयर्स का या फिर इक्विवेलेंट कोर्स इन HR, PM, IR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क का होना चाहिए। और प्रोजेक्ट ऑफिसर फिनांस में CA ICWA कोर्स होना चाहिए या फिर AIMA रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी है, या फिर फर्स्ट क्लास 60% MBA होना चाहिए फिनांस में 2 ईयर्स का और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिनांस डिसिप्लिन ऑफ 2 ईयर्स। ओके, वहीं प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट का देखेंगे तो 3 ईयर्स डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोर्स चाहिए, रिलेवेंट डिसिप्लिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आप ब्रांच हैं वो ब्रांच में 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फिनांस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है और ह्यूमन रिसोर्स का भी यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, फिर से वही चीज़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट जो है फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे पोस्ट है, जो इसमें ITI आपके होना चाहिए 10th के बाद, और जो भी डिसिप्लिन में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डिसिप्लिन में आपको ITI होना चाहिए। ओके, बाकी एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ये भी कंसीडर किया जाएगा आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कहीं अगर आप बेरोजगार हैं तो कहीं भी अप्रेंटिसशिप अगर मिलती है तो आपको अप्रेंटिसशिप भी ज़रूर करना चाहिए। और प्रोजेक्ट बेसिस पे भी अगर आपको जॉब फिक्स 10 ईयर का भी मिलता है, 4 ईयर जैसे है, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए अगर एलिजिबल है तो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारा बेनिफिट है। 4 ईयर का एक आपको बहुत अच्छी कंपनी में PSC में एक्सपीरियंस मिल जाता है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे भी। ठीक है, तो कुछ नहीं अगर कर रहे हैं तो ये फॉर्म को ज़रूर भरिए और इसको इंटरव्यू में आप लोग जाइए। ओके,
टेन्योर एम्प्लॉयमेंट ये सारा दिया हुआ है। एक बार फॉर्म फिल करने से पहले जो है आप लोग रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। प्रोजेक्ट इंजीनियर है और प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है जिसमें इंजीनियरिंग एचआर फाइनेंस जो है उनके लिए देखिए, फर्स्ट ईयर सैलरी 30,000 रहेगा, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,000 और फोर्थ ईयर सैलरी जो है जो रहेगा 39,000 पर मंथ रहेगा। वैसे ही आपको डिप्लोमा असिस्टेंट इंजीनियरिंग का 25,000 से स्टार्ट होगा, फोर्थ ईयर 29,500 रहेगा और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट आईटीआई के लिए 23 से स्टार्ट हो रहा है, 27,500 इनका लास्ट ईयर रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा एडिशनल जो कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन है उसमें आपको 10,000 एक्स्ट्रा आपको एडिशनल पे किया जाएगा, पर ईयर विल बी पेड, पर ईयर पेड किया जाएगा टूअर्ड्स एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, टायर अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस, ये सारे चीज़ों के लिए आपको 10 ईयर्स ईयरली जो है आपको पे किया जाएगा। ओके, ये जो है 50% आपको मिल जाएगा फर्स्ट मंथ में जब आप ज्वाइन करेंगे और 50% इंस्टॉलमेंट जो है इसका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तब आपको 50% ये जो है मिल जाएगा, यानी 5,000 करके 2 बार में आपको ये मिलेगा जो एडिशनल अलाउंसेस जो दिया जा रहा है। अप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 300 एप्लीकेशन फी है और प्रोजेक्ट डिप्लोमा प्रोजेक्ट ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 200 रुपये ये है एप्लीकेशन फी। और एप्लीकेशन फी जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है उनका एग्जम्प्टेड है, उनको कोई फी पेमेंट नहीं करना है, लेकिन लेकिन जो सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है आपको, वैलिड कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आपको अपलोड करना है, अगर उसके बिना आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर्म। ओके, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसमें आपको ओरिजिनल के साथ साथ एक सेट फोटो कॉपी भी आपको डॉक्यूमेंट्स का ले कर जाना होगा, 1 सेट लगेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 या 3 सेट आप लेकर हमेशा चलना चाहिए कहीं भी जाते हैं। तो ये पूरे लिस्ट है, एक बार आप देख लीजिएगा और ये सारे लिस्ट में जो है उसमें से जो जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा वो आपको लेकर जाना होगा। ओके, इंटरव्यू डेट जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर के लिए जो है 17 फरवरी है और प्रोजेक्ट डिप्लोमा एंड ट्रेड असिस्टेंट के लिए 18 फरवरी संडे रखा गया है, सैटरडे संडे में आपका इंटरव्यू है और जगह जो है यहाँ पे आपको बताया गया है, तो इस जगह पे आपको जाना है फॉर्म फिल करने के बाद। ओके, बाकी भी यहाँ पे देखिए ये डेट है 21 फरवरी, 22, 25 फरवरी, ये सब चीज़ है, ये यूनिट वाइज दिया हुआ है आपको, तो ये आप देख लेंगे जब भी जहाँ का फॉर्म फिल करेंगे उस हिसाब से आपको देखना होगा। ओके, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो एक परसेंटेज पे आपको 1 मार्क्स आपको कंसीडर किया जाएगा, मतलब आपके मार्क्स अगर 65% है तो टोटल 75 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन पे मिलने वाला है मैक्सिमम, अगर 65% है तो 65 मार्क्स मिलेगा, अगर 75% है तो 75 मार्क्स पूरा मिल जाएगा, 80% भी होगा तो 75 मार्क्स आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा तो 1 ईयर का 3 मार्क्स मिलेगा, 2 ईयर्स होगा तो 6 मार्क्स मिलेगा और 3 ईयर से ज़्यादा होगा तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है 10 मार्क्स का आपको एक्सपीरियंस पे है और 15 मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 100 मार्क्स इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा, अगर क्वालिफिकेशन में परसेंटेज आपका ज़्यादा होगा तो चांसेस भी आपका ज़्यादा रहेगा, बाकी इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है। बाकी ये टर्म एंड कंडीशन जो है एक बार आप लोग अपने से रीड कर लेंगे इंटरव्यू में जाने से पहले। तो ये सारे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बता दिया हूँ, इसके अलावा भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो आप वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, और यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर या पीएसयू एचआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से कम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत। Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.